बैठा हुआ है, कौन दुश्मन है आपका? तो आइए मन की बात के लिए एक बार फिर आपको मौका दिया जाए। कक्षा 7 आई इनवाइट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 दोज हु कैन स्पीक समथिंग अबाउट फीलिंग्स एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 2.5 आवर्स और एनी थॉट। व्यक्ति अपने जीवन में धन को सबसे अधिक महत्ता देता है। धन के आगे उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। रिश्ते तक धन के आगे कुछ नहीं रह जाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है और यही हमारा अहंकार बन जाता है। हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि इस संसार में यदि कोई सुखी रह सकता है, खुश रह सकता है, वो केवल एक धनी व्यक्ति ही है जिसके पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ है, उसका जीवन खुशहाल है। ऐसी हम सभी की मानसिकता होती है, लेकिन इसमें कितने प्रतिशत सच्चाई है हम इस ओर ध्यान ही नहीं देते। जीवन में सुख सुविधाओं द्वारा, धन द्वारा व्यक्ति स्वयं के भीतर की ना तो उलझन को खत्म कर सकता है और ना ही अशांत मन को शांत कर सकता है। इन सब के होने के बाद भी जीवन में अशांति महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल के समय में हर कोई अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान है। मन अशांत है। सबका कारण बेशक अलग हो, लेकिन हर कोई इस तनाव से घिरा हुआ है और इसी तनाव को कम करने के लिए हम इधर उधर भागते हैं ताकि हम भीतर से शांति महसूस कर सकें। लेकिन वो तब भी हमें नहीं मिलती क्योंकि मन की शांति धनी होकर या इधर उधर भटक कर मिलती ही नहीं है। ये केवल तब मिलेगी जब व्यक्ति स्वयं को संतुष्ट कर अपनी इच्छाओं का परित्याग कर देगा, क्योंकि इसी के त्याग के बाद आपका लालच खत्म होगा, मन भीतर से शांत हो जाएगा। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। वो राजा धार्मिक कार्यों में रुचि बहुत लेता था। हमेशा दान पुण्य करना, भूखे को भोजन करवाना, गरीबों की सहायता किया करता था। वो इन सब में किसी भी काम में कोई कमी नहीं करता था। लेकिन उसके ऐसा करने का जो कारण था वो ये था कि वो सबको ये दिखाना चाहता था कि वो कितना बड़ा दानी है, कितने अच्छे कर्म करता है। उसकी मंशा केवल झूठी और दिखावटी थी। एक दिन उस नगर में एक महात्मा का आगमन होता है। वो एक काफी प्रख्यात महात्मा थे जो सदैव सत्य के मार्ग पर